आज हम लोग पढ़ेंगे मेन बुक का पार्ट दो, जिसका शीर्षक है सशक कच्छप कथा। सशक खड़ा, कच्छप कछुआ की कहानी। बच्चों, कोई जरूरी नहीं है कि सशक की तरफ यानी खरगोश की तरफ तीव्र चलने वाला ही जीवन में हर क्षेत्र में जीत हासिल करता है। यदि कछुए की तरह धीमी चाल में चलने वाला व्यक्ति भी अपनी निरंतरता निरंतर एक अपने काम की ओर लगा रहता है तो वह भी सफलता को प्राप्त करता है। छात्र जीवन में इस कहानी का अपना एक अलग महत्व है। जो छात्र अपने आप को कमजोर समझ रहे हैं या समझते हैं, उन्हें इस कच्छप से यानी कछुए की कहानी से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए कि किस प्रकार वह प्रतियोगिता में सफल हुआ जो शायद उसके लिए असंभव था, और कछुए ने उस असंभव को संभव में बदल दिया और तीव्रगामी सशक्त जोश प्रतियोगिता का शत प्रतिशत भागीदार था। वह भी अपनी निरंतरता को खोकर कछुए से हार गया। इस कहानी का तात्पर्य है कि हमें अपने कामों के प्रति सदैव सजग रहना चाहिए, निरंतरता कायम रखना चाहिए, जिससे हम अपने जीवन को सफल कर सकें। आइए अब हम इस कहानी को पढ़ते हैं। कश्मिष्ठित बने यानी किसी वन में जंगल में एक खरहा रहता था यानी खरगोश रहता था। उसका एक मित्र था। उसका एक मित्र भी उसी के साथ उसी के पास रहता था, यानी दोनों में कह सकते हैं कि मित्रता भी थी। जब कछुआ यदा कछुआ तालाब पही निर्गच्छति अस्म निर्गच्छति निर्गच्छति निकलता था, तब तदा सस्क तब खरगोश भी तालाब के समीप में टके आगच्छति अस्म आता था। इस लाइन को पढ़ने से यह स्पष्ट हो गया कि दोनों में प्रगाढ़ मित्रता थी, घनिष्ठ संबंध था। वे तक दो परस्पर स्नेहिन वार्तालापम कुरुतु अस्म। दोनों आपस में एक चीज आप लोगों को यहां बता दें कि जब हमें भूतकाल यानी अलग अलग का प्रयोग करना हो और हमें सब धातु रूप याद नहीं हो तो आप वर्तमान काल में, वर्तमान काल का मतलब हो गया लट लकार में, लट लकार के साथ अस्म अगर आप जोड़ देते हैं तो यह छेद कर जाता है लट लकार। यहां भी क्रिया है दो द्विवचन का, कुरुता अस्म करता था, यानी वहां वे दोनों प्रेम पूर्वक वार्तालाप करते थे। कछुआ अपने स्वभाववश कछुआ सनय सनय चलती अस्म, कछुआ अपने स्वभाववश धीरे धीरे चलता था। ठीक इसके विपरीत सस्क शीघ्रमदार थे, जल्दी चलने वाला था, जल्दी से चलता था, जिससे अनेना सस्क अन कार्य हुआ, घमंडी हो गया, अपने मित्र के धीमी चाल को देखकर और अपने आप को तीव्रगामी समझता हुआ खरगोश अहंकार को प्राप्त हो गया, घमंडी हो गया। उसने घमंड आ गया कि मैं कछुए की अपेक्षा बहुत अधिक तीव्र गति से चल सकता हूं। एक बार
एकदा कयो न थे धावन प्रतियोगिता दौड़ रेस में दौड़ने की प्रतियोगिता हुई। खड़हा बोला सच कह अहम तब पूर्व बट सुनोलम प्राप्त श्यामी, मैं एक निश्चित जो दिया गया था प्रतियोगिता स्थल वहां पर तुमसे पहले मैं बरगद के जल के पास पहुंच जाऊंगा, बरगद के पेड़ के पास पहुंच जाऊंगा। कछपावदर तुम अभिमानी हसी, तुम घमंडी हो, इसलिए अहम तब पूर्वम तक पेड़ तत्र आगमिष्यामी प्राप्त श्यामी, मैं तुमसे पहले ही। कछुए ने ऐसा क्यों कहा? इसलिए कहा कि खरगे को अपने तीव्र गति पर घमंड था, अहम था, अहंकार था, और अहंकारी व्यक्ति कर्म से विमुख हो जाता है और वही उसके हार की पराजय की वहीं पर उसकी पराजय हो जाती है, हार हो जाती है। और इसमें भी वैसा ही हुआ और कछुए ने कहा कि मैं तुमसे पहले ही वहां पहुंच जाऊंगा, मैं अहम मंदम मंदम चला हूं। कछुए ने कहा कि मैं धीरे धीरे चलता हूं, फिर भी कार्य पूर्णम करूंगी, कार्य को पूरा भी करता हूं। तुम शीघ्र धावती, तुम तेजी से दौड़ते हो, परंतु तुम में धैर्य नहीं है, धैर्यम नास्ति, तुम में धैर्य नहीं है। तब तदा सस्का धाम तुम आरभ, इतना सुनते ही कछुआ दौड़ना शुरू किया और फिर कछुए ने भी धीरे धीरे समय समय चल तुम आरभ हुआ। अब आइए देखिए कहानी का कैसे मोड़ आता है। सस्का किंच खरे ने सोचा, क्या सोचा? कछुआ तो धीरे धीरे चलने वाला, कछुआ तो समय से नहीं आ नहीं सकती, धीरे धीरे आएगा। तावत हम तब तक मैं वृक्ष के छाया में विश्राम कर लेता हूं, पेड़ की ठंडी छाया में आराम कर लेता हूं। यहीं पर आप यह देखेंगे समझेंगे कि खरे की हार यहीं से शुरू हो जाती है। जब वह निकट आएगा यथार्थ, कौन निकट आएगा? कछुआ, कछुआ कदा हम धामी श्यामी, तब मैं दौड़ूंगा। एवं चिंतित ऐसा सोचकर खरहा छाया महा छाया में निद्राम कर निद्रा को प्राप्त हो गया। कछुआ धीरे धीरे चलता हुआ तत्र आगच्छति, वहां आता है और खरहा छाया में सो जाता है। यानी खरहा जब अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहा था तब वह देखता है कि खरहा निद्रा में मग्न है, लीन है। ऐसा देखकर वह उत्साह से आगे बढ़ा। कछुआ मंद गति से चलता हुआ भी अपने लक्ष्य को प्राप्त होता है। वह बरगद वृक्ष के नजदीक पहुंचकर वहां बैठ जाता है। खराब देर के बाद निद्रा से जगकर फिर से दौड़ना शुरू करता है, लेकिन अब पछताया बहुत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, कांवर साधक किसी सुखाने, समय बीत पुण्य क्या पछताने, अर्थात समय बीत जाने पर पछताने से कुछ नहीं होता है। यही स्थिति खरे की हुई। जब वह वहां पहुंचता है तो देखता है कि कछुआ पहले ही से वहां बैठा हुआ है। इससे खरे को आत्मग्लानि हुई, अपने हार को देखकर वह दुखी हो गया, लज्जित भी हो गया, क्योंकि उसने शुरू में कहा था कि मैं तीव्र गति गामी हूं और मैं ही उस स्थान को प्राप्त करूंगा। इसीलिए किसी ने सत्य कहा है अति गर्भिण हता लंका, लंका क्यों जला, लंका का नाश क्यों हुआ? क्योंकि वहां पर घमंडी राक्षस राज रावण था, अहंकारी राक्षस राज रावण। यदि राक्षस राज रावण का सीता का हरण क्यों हुआ? क्योंकि अति सुंदर थी। इसलिए कहा गया है कि हमें अत्यंत से और अहम से
बचने का सर्वथा प्रयास करना चाहिए। जो घमंड करता है, जो अहंकार लाता है, उसे जीवन के हर कदम पग पग पर उसे असफलता हाथ लगती है। इसलिए हमें जीवन में यदि सफलता प्राप्त करना है तो अपने कर्तव्य की ओर निरंतर अग्रसर होते रहना चाहिए और हमें घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि घमंड अहंकार ही मनुष्य के राज्य का सबसे सटीक कारण बनता है।